हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ राबी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें, सभी आपकी तारीफ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ दालों को लिया है, अक्का मूंग है, अक्का मसूर, गेहूं को हमने भिगो कर रखा था, चाहिए तो आप मार्केट से दलिया ला सकते हो। हमने दाल ली है चना दाल, चावल ली है हमने। अब हम दालों को हल्का सा भूनेंगे। हम मसूर को भून रहे हैं, ऐसे ही हमें मूंग और चावल को भी थोड़ा सा भून कर लेना है। हम ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, हमें थोड़ा सा ही हल्का सा भूनना है। अच्छे से तीनों को हमने भून लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने गेहूं को भिगा कर रखा था, हमने इसे बारीक बत्ते में कर लिया है, सब देख रहे हैं। अब हम इसे पकाने डालेंगे। हमने कुकर में पानी लिया है, इसमें हम दलिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे से मिलाकर हम इसे पकने रख देंगे। 3 से 4 सीटी हमें लेनी है। ऐसे ही हमने तीनों दालों को धोकर ले लिया है, अक्का मूंग, अक्का मसूर, चावले को। अब हम इसे भी पकने डालेंगे। हमने दालों को कुकर में डाल लिया है, अब हम स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिलाकर हम इसमें पानी डालेंगे और हम इसे पकने रख देंगे। इसे भी हम 3 से 4 सीटी लेनी है। चने की दाल ज़्यादा भी ना पके, इसलिए हमें इसे अलग पकाना है। हमने कुकर में पानी लिया है, चने की दाल हम इसमें डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल के हम इसे अच्छे से मिलाकर पकने रखेंगे। 2 से 3 सीटी हमें लेनी है। सभी दालें पकने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है, हम इसमें प्याज डालकर अच्छे से ब्राउन होने तक तलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें प्याज को ऐसे ही ब्राउन करना है। इसे हम निकालेंगे, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे हमारा दलिया पक गया है क्या। आप देख रहे हैं, दलिया अच्छे से पक गया है। हम कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। हमारी दाल भी अच्छे से पक गई है, जैसे आप देख रहे हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। इसे हमने तीनों दालों को पकने डाला था, वो भी हमारे अच्छे से पक गई है। अब हम दलिया और दालों को मिलाकर एक साथ रखेंगे। हमने गोश्त को साफ कर कर ले लिया है, हमने कुकर को गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, कटी हुई प्याज डालेंगे हम। अब हमें प्याज को अच्छे से मिला लेना है, हमें प्याज को सुनहरा होने तक भून लेना है। हमारी प्याज सुनहरी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिलाते ही रहिए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा ऐड करें, अच्छे से मिलाइए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, हमें सभी को अच्छे से मिला लेना है। हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, टमाटर को भी हमें अच्छे से मिला लेना है मसाले में। अब हम इसमें साफ किया हुआ गोश्त को डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक,
गोश्त को हमें मसाले में अच्छे से मिला लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गोश्त को हमें मसाले में अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं इतने गोश्त के लिए 1 कप पानी डाल रही हूँ, 1 से 1.5 कप। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर पकने रख देंगे। आप देख रहे हैं हमारा मसाला गोश्त अच्छे से पक गया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर साइड में रख देंगे। अब हम एक पतीला लेंगे। हमने पतीले को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें दलिया डालेंगे। हमें हल्का सा मैश करना है, ज़्यादा भी मैश ना करें, नहीं तो बहुत बारीक हो जाएगा। इसे थोड़ा सा पकने दे। हमारा दलिया अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें पकाया हुआ मसाला गोश्त डालेंगे। अभी इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाते ही रहिए, दलिया हमारा नीचे लग ना जाए इसलिए। आप देख रहे हैं अच्छे से जोश आ रहा है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना। हमारा खिचड़ा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप ज़रूर बना कर देखें। आप हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।